इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री छठवां अध्याय। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालो, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। और तखिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे।